में वाहन चालकों ने किया प्रदर्शन। नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहनों के चालकों को रोककर 1 जनवरी से वाहन नहीं चलाने की कर रहे मांग। सैंधवा लोकसभा में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नए बिल के पारित होने के बाद से ही उसकी लगातार विरोध देश में हो रहा है। वाहन चालक इस बिल को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज सैंधवा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास पर सैंधवा शहर की बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने प्रदर्शन किया और सरकार के बिल का विरोध किया। वहीं हाईवे से गुजर रहे वाहन को रोककर उनके चालकों से निवेदन किया है कि 1 जनवरी को अपने अपने वाहन जहां भी हों वहीं खड़े कर अपने घर चले जाएं। वाहन चालकों ने बिल को काला कानून बताते हुए बताया है कि जिसके तहत दुर्घटना होने पर वहां के चालक को 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर उनके पास इतनी बड़ी रकम होती तो वो वाहन चलाने को मजबूर नहीं होते। ऐसे में सरकार इस काले कानून को वापस ले, 1 जनवरी को पूरे देश भर में चालक प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और अपने वाहन नहीं चलाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। अकरम मंसूरी, ये बाईपास पे आप सभी ड्राइवर लोग खड़े हुए हैं, क्या मामला है, क्यों खड़े हुए हैं यहाँ लोग? सर, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो काला कानून लगाया है हमारे ऊपर, एक्सीडेंट होने पे 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना, तो उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं सभी ड्राइवर भाइयों से, जितने भी हिंदुस्तान में ड्राइवर भाई है, सबसे ये विनती करना चाहता हूँ कि 1 तारीख को पूरे ड्राइवर भाई अपनी गाड़ियाँ जहाँ कर भी हो वहाँ से खड़ी करके घर पे आ जाए, हमारा मिलकर समर्थन करे और गाड़ियों को 1 तारीख को बंद कर दे। बड़वानी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, एक की मौत हो गई, एक घायल राहगीर ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। राजपुर थाना क्षेत्र खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर ग्राम ऊंचाई के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें मुकेश पिता तेर सिंह निवासी राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोरगुन के मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दशरथ पिता मांगीलाल उम्र 45 वर्ष घायल हो गया था, जिसे राहगीर श्रीराम गोले ने अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। गोले ने बताया कि बाइक सवार एक व्यक्ति ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा घायल था जिसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन गंभीर होने के कारण दशरथ को भी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला विवेचना में लिया। मेरा नाम श्रीराम गोले, पलसुत का रहने वाला हूँ। मैं जिलवानिया से आ रहा था, उस दौरान मैंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि एक आदमी में कोई हलचल नहीं दिखी मुझे, एक में दिखी थी, तो उसको मैं मेरी वाहन में टीयू में डाल के सरकारी हॉस्पिटल तक छोड़ने आया।